Assalamu alaikum, Piyare Hazoor. Wa alaikum. If genetic modification is used for the betterment of humanity, is it wrong? And if so, why? क्योर करना है अगर किसी को किसी भी तरह से genetically तो ठीक है, सिवाय इसके cloning जो है वो उसकी इजाज़त नहीं, that is not permissible. Cloning जो है तो जो शक्ल बदल दो किसी चीज़ की, लेकिन अगर किसी बीमार को स्टेम सेल से या किसी और टिश्यू से या लेके क्योर करना चाहते हो तो कर दो. तुम्हारे सवाल क्या है? If a child is born with a terminal genetic disease, is it wrong to remove it? हाँ, अगर वो देख लेते हैं पहले पता लग जाता है इसको जेनेटिक डिजीज़ कोई होने वाली है कि नहीं, ठीक है, और उसके लिए उसके वो कोई ट्रीटमेंट देते हैं या एम्ब्रियो को ट्रीट करते हैं, ठीक, ये बात है तुम्हारी जी. हाँ, तो उसके लिए जायज़ है कि उसको कर दें. सिर्फ जो नाजायज़ है वो ये चीज़ है कि किसी चीज़ की शक्ल नहीं बदलनी जो क्लोनिंग है, राइट. दूसरी चीज़ नाजायज़ ये है कि अपने उस टिश्यूज़ के साथ मर्द और औरत के जो स्पर्म और एग्स हैं ना, उनके साथ जो ट्रीट सिर्फ बच्चे की पैदाइश हो सकती है. ये नहीं किसी हो सकता है कि अगर कोई ये पता लगेगा इसमें कोई ऐसी जेनेटिक बीमारी है कि औरत रिजेक्ट कर देती है अपने खामंद को, या सही तरह उसके बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती. अगर पैदाइश हो जाएगी तो फिर वो जेनेटिकली क्रिपल या लेम बच्चे पैदा होंगे, ठीक है, तो किसी और से उसका एग या स्पर्म ले लिया जाए और फिर औरत के इम्प्लांट किया जाए वो गलत है, ठीक है. और पौधों के लिए हैं, पौधों के लिए ताकि वो बड़े हों जल्दी से. पौधे जी जेनेटिक्स जो बकायदा एक सब्जेक्ट जो है ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ठीक है, एक सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर में भी है, ठीक है, और वो इसलिए करते हैं कि उसको बहुत सारे जो आजकल प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हों या क्रॉप्स हों, ठीक है, उसको उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसकी यील्ड को बढ़ा दिया, ठीक है, तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना. इसीलिए तुम्हारी जो मसलन वीट है, गंदम है, इसकी यील्ड आज से 50 साल पहले सिर्फ होती थी मसलन 200 और 250 किलो या पाउंड चलता है या किलो चलता है, पाउंड किलो इधर किलोग्राम किलोग्राम सा 250 किलोग्राम पर एकड़ अगर होती थी तो अब वो 1600-2000 किलोग्राम पर एकड़ हो गई. वो जेनेटिकली उसको मॉडिफाई किया उन्होंने तो इसकी इतनी यील्ड हो गई. इसी तरह इंसानों में भी जेनेटिकली अगर उसकी बीमारी को क्योर किया जा सकता है तो वो जायज़ है, कोई हर्ज नहीं उसमें. उसके लिए मुख्तलिफ तरीक़े हैं उनके, ठीक है जी. जज़ाकल्लाह. तुम बायोलॉजी पढ़ते हो? किस ग्रेड में पढ़ते हो? 10. 10 में? क्या तुम्हें डॉक्टर बनना? जी. रिसर्च में जाना? जी. रिसर्च में जाओ तो जेनेटिक्स में फिर करो, मास्टर्स करो और पीएचडी करो, फिर रिसर्च करो, ठीक है. ठीक है.